अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरे चैनल को देखने वाले जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें मुझे। आज ना मैं ये शोरबे वाला चिकन बनाने लगी हूँ, तो उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? प्याज की, अदरक लहसुन टमाटर, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने क्यूब्स बना लिए होते हैं, तो ये मैंने क्यूब्स बना लिए हुए हैं। और ये चिकन है, ये मैंने हरी चटनी के भी क्यूब्स बनाए हुए हैं, अभी इसमें दही डाल के हरी चटनी बनाऊंगी। तो ये हरी मिर्च है और ये मेरे मसाले हैं सारे, इसमें नमक, रेड मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा और सूखी मेथी, और ये मिर्चे तो वैसे मैं अचार के लिए लाई हूँ, नींबू डाल के इसमें तो अचार बनाऊंगी। तो अब हमने ये प्याज को रेड करना है पहले, तो जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये थोड़ा थोड़ा रेड हो गया, तो इसमें अब मैं चिकन डालूंगी। और इसको हम इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन मैंने धो के फ्रिज में लगाया हुआ था, तो ये अब मैंने चिकन डाल दिया, तो साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची और धनिया भी शामिल कर लूँगी। और ये क्यूब्स जो मैंने बनाए हैं तो इनको मैं पहले प्लेट में निकाल लूँ तो आगे नीचे गिर ना जाए। अभी दो ही मैंने निकाले हैं, इसमें हरी मिर्च, टमाटर और अदरक लहसुन। अदरक नहीं डाला हुआ, वो भी मैं डालती हूँ लेकिन इसमें नहीं है। तो उसके बाद हम ये अच्छी तरह से भून लेंगे चिकन को।
चिकन। ये अब मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डालने लगी हूँ, इसके मसाले। सबसे पहले नमक आपने हसब ज़रूरत डालना, काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च और ये गरम मसाला। तो ये रेड मिर्च अब इसको मैंने इसमें मिक्स कर देना। थोड़ा पानी डाल दूंगी और ये जब गल जाएगा पांच मिनट के लिए इसको मैंने रख दिया ऊपर गलने के लिए। थोड़ी देर बाद इसको थोड़ा और भून के पानी डालूंगी तो ये तैयार हो जाएगा, पक जाएगा। ये सारी का इफ्तारी का भी सिस्टम हो रहा है, इधर शरबत वगैरह बन रहे हैं। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया, ये देखें ये पक गया। तो इसमें थोड़ा सा धनिया डाल के तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल इसी में है, इसलिए कि इफ्तारी के टाइम फिर इसमें से निकाल लूँगी। ठीक है, तो ये बेहतरीन सा शोरबे वाला चिकन बना है। लाइक करना है, कमेंट्स ज़रूर देने हैं। किसी ने भी मुझे अभी तक कोई कमेंट्स नहीं भेजा। ओके, अल्लाह हाफिज़।